While there are tons of dark and gritty shows out there, I think now is the time when life में थोड़ी hope चाहिए, a little bit of feel good factor कि भैया everything is going to be fine again. So without further ado, let's dive into some good slice of life shows and films that will lift up your mood during these lockdown days. Panchayat. Panchayat comes out straight from the heartland of India. कहानी काफी basic सी है. उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है फुलेरा, जहां इंजीनियरिंग में अच्छा प्लेसमेंट ना होने की वजह से अभिषेक त्रिपाठी को एक एवरेज सरकारी नौकरी करनी पड़ रही है। शो में अभिषेक त्रिपाठी का कैरेक्टर प्ले किया है इंडियन वेब सीरीज के शाहरुख खान, जीतू भैया ने। अभिषेक त्रिपाठी हम सबकी तरह एक टिपिकल मिलेनियल है, जिसे कॉलेज में तो लगता है कि पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, बट वन लाइफ हिट्स हार्ड तो लग जाते हैं। यहाँ पे इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गाँव पहुंचते ही इन्हें रियलाइज होता है कि भैया दिस सरकारी जॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। ही वॉन्ट्स अ रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब जिसमें 5 डे वर्किंग हो, वीकेंड पे पार्टी हो और एक अच्छी सैलरी हो। राइटर चंदन कुमार ने बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से रूरल इंडिया की प्रॉब्लम्स को लिखा है। अब वैसे तो गांव की सरपंच है मंजू देवी, यानी कि बॉलीवुड की फेवरेट मॉम नीना गुप्ता, बट गांव चलाते हैं सरपंच पति रघुवीर यादव। ये सब छोटी छोटी चीजें बड़े ही कॉमिकल तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, जैसे शो का एक एपिसोड खोई हुई चाबी के बारे में। तो अगर आप इस शो से बहुत मेजर ट्विस्ट और टर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। प्लॉट काफी प्रेडिक्टेबल सा है, बट द परफॉर्मेंसेस टेक द शो टू अ डिफरेंट लेवल। रघुवीर यादव एंड नीना गुप्ता परफॉर्मेंसेस आर टू गुड इन दिस सीरीज। देयर क्विप्स और बात-बात पे होने वाली नोकझोंक इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो। स्पेशल मेंशन टू चंदन रॉय हु प्लेज अभिषेक असिस्टेंट विकास। काफी नेचुरल एक्टर हैं, यू विल लव हिम व्हेनेवर ही इज ऑन द स्क्रीन। मॉडर्न लव। सेलेक्टिंग अ शो कैन बी ओवरवेलमिंग समटाइम्स, सो इफ यू डोंट वांट टू गो ऑन अ बिंज वॉचिंग स्प्री, दिस माइट बी द परफेक्ट पिक फॉर यू। इट्स एन एंथोलॉजी सीरीज, सो यू कैन पिक अप एन एपिसोड व्हेनेवर यू आर फीलिंग अ बिट लो और द यूजुअल पैनिक स्टार्ट्स किकिंग इन। एंड डोंट गो बाय द टाइटल, दिस शो इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लव, इट अप्रिशिएट्स ऑल काइंड्स ऑफ लव इक्वली। द सीरीज किक स्टार्ट्स विद दिस एपिसोड अबाउट हाउ सम पीपल हु हैव नेवर बीन इन लव और हु डोंट डेट ऑफन आर यूजुअली अ बिट स्केप्टिकल। उनके लिए फर्स्ट इंप्रेशंस हमेशा से ही मिसलीडिंग होते हैं। स्टार्टिंग द सीरीज विद द स्टोरी अबाउट अ फ्रीलांस राइटर एंड हर डोरमैन ऑलमोस्ट मेक्स दिस एंटायर जर्नी अबाउट लव क्वाइट पोएटिक, स्पेशली इफ यू आर समवन हु हैज नेवर बीन इन लव बिफोर। द थर्ड एपिसोड टाइटल्ड टेक मी एज आई एम हूएवर आई एम फीचर्स एन हैथवे एंड इट टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ। दिस पर्टिकुलर एपिसोड नॉर्मलाइजेस बायपोलैरिटी एंड इन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड थिएट्रिकल वे। Another thing to notice about this series are its long titles. You think they have the entire story in them. They have it, but just not in the way that you would be predicting. Comments में अपने favorite episodes जरूर बताना। Mine were 1st, 3rd and 7th. The Fundamentals of Caring. Hollywood की कई सारी बाकी फिल्मों की तरह this film also revolves around a grief-stricken man who is trying to reset his life. अब वैसे तो this dramedy could have fallen flat if it wasn't for the super charming performances by Paul Rudd, the one and only Ant-Man and Craig Roberts. Paul Rudd plays Ben, who decides to become a caregiver after losing his son in an accident. His first assignment, Trevor. Now, Trevor is suffering from muscular dystrophy. Basically, he is confined to a wheelchair and his life depends on machines and medicines. Trevor is not your next door teenager. He is a difficult kid to deal with. The first few interactions between them are absolutely hilarious. Like in a scene, Trevor thinks it's funny to give false alarms of him dying. He does this just to mess with Ben. One day, Ben decides to take Trevor on a road trip. And what ensues on this road trip will definitely leave you with all the hope that you need right now. Honestly, this film is very predictable. There is nothing jo aapne pehle kabhi na dekha ho. But sometimes all you need is a dose of comedy and a feeling of being hopeful during the worst of situations. And this film gives you exactly that. Fleabag. अगर कोई मुझसे पूछता है कि फ्लीबैक किस बारे में, तो शायद मेरे पास एक एग्जैक्ट आंसर ना हो। बहुत ही कम ऐसे शोज हैं जहां स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, वो भी इतने रियल, एंड फ्लीबैक इज वन सच शो। ये कैरेक्टर इतना एवरेज है दैट ऑल ऑफ अस विल फाइंड इट रिलेटेबल। द वे शी यूजेस सार्कैज़म, सेल्फ-लोथिंग, ईगो एंड ऑकवर्डनेस, ये सारे ट्रेट्स इतने रियल हैं कि थोड़ी देर बाद यू विल सी योरसेल्फ इन हर। द एपिसोड्स इन द फर्स्ट सीजन डोंट रियली हैव अ क्लिफहैंगर, बट फॉर सम रीजन यू विल स्टिल फील लाइक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। It's an unconventionally binge-worthy show, one which grows on you. The show is blatantly honest and even weird in parts. Fleabag will say things that are on her mind without hesitating. ये कोई पहला शो नहीं है जिसमें फोर्थ वॉल ब्रेक की गई है, एंड डेफिनेटली ये लास्ट शो नहीं होगा, बट दिस इज बाय फार द बेस्ट यूज ऑफ फोर्थ वॉल ब्रेकिंग। इट्स एक्चुअली द थिंग दैट मेक्स दिस शो सो हिलेरियस। ऑल्सो इट्स अ वेरी फ्रेश टेक ऑन फेमिनिज्म। It raises questions like, are you supposed to be bold all the time? What is the true mark of a feminist? और second season देखने के लिए अगर आपको reason चाहिए तो मैं पहले ही बता देता हूँ। It features Andrew Scott, aka Jim Moriarty from Sherlock, the best on-screen villain according to me. Here you'll see me in a very different and interesting role. तू है मेरा संडे। Well, this was not a web show but a movie. It's possible कि आप लोगों ने इस फिल्म के बारे में सुना भी ना हो। Directed by Milind Dahmade, it's a very sweet, breezy tale of Mumbai's middle class dynamics. The story is about these 5 friends who live in different parts of the city. These 5 friends are bound by one common thread, a game of football every Sunday.
पर ये संडे इनके लिए सिर्फ फुटबॉल गेम नहीं है, इट्स देयर डे टू वेंट आउट देयर फ्रस्ट्रेशन अबाउट देयर वर्क लाइफ, फैमिली रिस्पांसिबिलिटीज एंड देयर इनसिक्योरिटीज। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है एंड दे स्टार्ट लूजिंग देयर शिट। एंड द फिल्म शोज दिस वेरी नाइसली व्हेन ऑल फाइव ऑफ देम हैव दिस सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस इन पब्लिक। कम टू थिंक ऑफ इट, ये जो लाइफ की छोटी छोटी चीजें हैं जैसे संडे का एक गेम, दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना, चिल करना, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इन सब चीजों को सबसे ज्यादा मिस करेंगे और ये सब शायद हमें अब रियलाइज हो रहा है। बट दिस इज अ वेरी फील गुड मूवी दैट विल मेक यू रियलाइज कि सबकी लाइफ में कुछ मोमेंट्स और कुछ लोग उनका संडे होते हैं। द बिग सिक। इस फिल्म को लिखा है एमिली वी गॉर्डन और कुमेल नंजियानी ने। कुमेल प्लेज हिमसेल्फ इन द फिल्म। द मूवी इज एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर रियल लाइफ लव स्टोरी। जब मैंने ये फिल्म देखना स्टार्ट किया था, आई फेल्ट दैट इट्स गोइंग टू बी एन एवरेज रोमकॉम विद नथिंग न्यू टू ऑफर। आई स्टार्टेड वॉचिंग इट ऑब्वियसली बिकॉज कुमेल इज ऑसम। You should check out his stand-up specials. He is hilarious. Now, Kumail is from a Pakistani family and Emily is obviously white and American. The film's writing is the best part about it. Like how in a scene Kumail says that we call arranged marriage just marriage in Pakistan, which was also kind of true for India 30 years ago. How Kumail develops this awkwardly cute relationship with Emily's parents. And the bond between them is what actually defines the film. It's not at all a teary, emotional and tragic story. It's very real. I absolutely loved this film because of the amazing performances by the actors, the chemistry between them, the comedy that ensues and how unpredictable the film's plot is. Film mein koi bhi cliche moments nahi hai. It handles everything lightly without taking itself very seriously. Aur tabhi shayad ye movie itni funny hai. These are tough times and all we can do is be hopeful, keep ourselves busy, help the ones in need and pray that everything soon goes back to normal again. और सिर्फ फिल्म्स देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बट आई एम श्योर इट विल हेल्प टू फॉरगेट एवरीथिंग इवन इफ इट्स फॉर अ शॉर्ट वाइल। So comments mein do tell me your favorite feel good shows and films. Till then stay safe, share this video and subscribe to India Times.